नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पार्सल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे, आप लोग की काउंसलिंग अच्छी खासी चल रही होगी। अभी काउंसलिंग ऑन द ट्रैक है, इसलिए आपको पेशेंस भी रखना है। मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है, सर मेरा अभी वेटिंग शो कर रहा है, कुछ लोग के अभी कॉल लेटर तक नहीं आए हैं, कुछ लोग सेकंड कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग कई राउंड का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ, वो है कि आफ्टर एडमिट कार्ड डाउनलोड, यानी आपका जब काउंसलिंग हो चुका, आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका, तो ऐसे कौन से कार्य हैं, ऐसे कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो आपको बीएचयू से करा लेना चाहिए और वो कब तक कराना चाहिए, ये तमाम बातें जो है वो इस एक वीडियो में हम लोग समझेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं करना है। जिन लोगों को बीएचयू की तैयारी करनी है वो लोग डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए अपना नेम और अपना कोर्स लिख के, कुछ ही समय में आपको कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। हमारे यहाँ इस बार यूजी पीजी खासकर बीएससी का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं न्यू मेंटर है, पूरा न्यू स्मार्ट क्लास में सूट हो रहा है, यानी पूरा न्यूली वीडियो है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको एक नए प्लेटफॉर्म से जुड़ने का बीएससी के, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। बाकी हमारी क्लासेस तो ऑन द वे है ही, आप ज्वाइन कर सकते हो और लोगों को सजेस्ट भी कर सकते हो। देखो मेरे हाथ में ये एक आईडी है जिसको बीएचयू का पासबुक बोलते हैं और एक पीबीसी का कार्ड भी आता है, इस तरीके से इसको स्टूडेंट आईडी बोलते हैं, ये भी बनता है। लेकिन ये कुछ फैकल्टी में ही आपको मिलेगा और ये वाला तो सबको मिलता है, चाहे आप किसी भी फैकल्टी को, आपको ये बनवाना पड़ेगा। ये पासबुक होना, आपका आईएनटी कार्ड होना और आपका एक तरह से ये परमिस अलाउ करता है कि आप बीएचयू में हर एक जगह विजिट कर सकते हो, चाहे आपका वैसे तो कार्ड आपका हर जगह के लिए अलग अलग भी बनता है। जैसे आप मेडिकल में जाओगे तो आपका हेल्थ सेंटर के लिए अलग एक कार्ड बनेगा, बट आपको एंट्री के लिए कहीं कहीं हो सकता है जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे में क्योंकि स्टार्टिंग में पूरा काम इसी से होगा, इसमें देखो एक बारकोड होता है, इस बारकोड से इस तरीके से पूरा फोटो लगेगा, पूरा फिल करना पड़ता है और ये कार्ड ही पूरे साल नहीं पूरे कोर्स में चलता है, इसको लॉस नहीं करना है। अभी कैसे बनेगा इसका प्रोपोर्शन हम लोग समझेंगे, ठीक है। इस कार्ड के बारे में ज्यादा इंक्वायरी मत करना है क्योंकि ये कार्ड बहुत ही रेयरली बनता है, कभी कभी बनाया जाता है, जरूरी नहीं है कि फैकल्टी इसको बनवाए ही बनवाए, और लेकिन ये पासबुक जो है ये बनता है जरूर। अभी पासबुक बनता कैसे है, जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, उस डाउनलोड एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आप निकलवा लेना साइबर से, 1-2 कॉपी निकलवा लेना, उस पर देखोगे कि आपकी क्लास की टाइमिंग दी गई है कि नहीं, उस पर दिया हुआ है कि आपकी क्लास 3 तारीख से शुरू हो रहा है, किसी किसी का क्लास 4 से शुरू हो रहा है, किसी का 5 जनवरी से शुरू हो रहा है, यानी आपकी क्लासेज का टाइमिंग उस पर डेट दिया हुआ है। ये क्लास अभी ऑनलाइन ही चलने वाला है क्योंकि नीचे एक लाइन और लिखी गई है कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब फिजिकल क्लास चालू होगा तब सबमिट करना है। ऐसे में जब अपने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करने आना ओरिजिनल, तो आप अपने जिस भी डिपार्टमेंट फैकल्टी से बिलोंग करते हो, जहां भी आपका एडमिशन हुआ है, आप वहां जाइएगा, वहां के विंडो पे यानी वहां के ऑफिस में आप बोलिएगा कि मुझे पासबुक चाहिए, मुझे अपना पासबुक बनवाना है, वो आपको एक ब्लैंक एकदम कुछ नहीं लिखा होगा एक न्यू पासबुक देंगे जिसमें आपको अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपना कोर्स, अपना सेशन, अपना फोटो, तमाम चीजें लगानी होती हैं। उसके बाद आप उन्हें सबमिट करोगे, वो वेरीफाई करेंगे, वो एचओडी या डीन को ट्रांसफर करेंगे और फाइनली वो आपको सील करके आपका ओरिजिनल कार्ड बन जाएगा, ठीक है। ये लगभग 1.5 से 2 घंटे का काम है, उससे भी कम का ही है, जैसा वहां पे भीड़ हो, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको 1 हफ्ते दौड़ना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर ये कार्ड कैसे बनते, तो ये फैकल्टी बनवाती है, इसका एक अलग से फॉर्म आता है, सबमिट करना पड़ता है डिपार्टमेंट में जाके कि आपको अपने कार्ड पे क्या नाम लिखवाना है, तो वो भी बन जाता है। लेकिन इसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंडेटरी भी नहीं है, ये फैकल्टी बाद में आपको इन्फॉर्म करेगी कि बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप जो अपना स्टूडेंट बन जाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि सर ये वाली कार्ड हमारी आ चुकी है, क्योंकि बच्चों में एक माहौल बन जाता है, अरे मैंने बनवा लिया तुम बनवाएगी नहीं, तो वो भी जाके बनवा लेगा। मैंडेटरी ये है क्योंकि इस कार्ड के बनने के बाद आप हेल्थ सेंटर जाओगे, वहां पे आपका हेल्थ कार्ड बनेगा। हेल्थ कार्ड बनने में थोड़ा टाइम लगता है, वहां पे एक टाइम पीरियड भी है फोटो का, क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक आपका होता है, तो वो कार्ड आपका इस कार्ड के बाद बनेगा, वहां भी फोटो आपका बायोमेट्रिक होता है, तो वहां पे सब कुछ प्रॉपर वे में 2 बजे के पहले साल ऐसा कराना पड़ता है। तो हेल्थ कार्ड बनाने के लिए आपको शायद 1 दिन लगे और वो 1 हफ्ते बाद प्रिंट होके आता है, ऐसा नहीं है वो तुरंत बनेगा, हेल्थ कार्ड में 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है। और हेल्थ कार्ड की सबसे खास बात ये है, जहां तक मेरे को प्री नॉलेज है, अभी रिसेंट का मुझे नहीं पता है, प्री नॉलेज ये है कि पर एनम मतलब एनुअल 50,000 रुपीज का फ्री मेडिसिन आपको प्रोवाइड कराया जाता है, मतलब किया जाएगा इन केस अगर आपको कोई जरूरत पड़ा तब, यानी 50,000 रुपए की फ्री मेडिकल सर्विस है आपके एक हेल्थ कार्ड पे एक स्टूडेंट को। उसमें और भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते, ये नहीं कि आप उस कार्ड से दूसरे का इलाज कराओ, हाँ लेकिन उस कार्ड से आप सुंदरलाल हॉस्पिटल में किसी का आप नंबर लगा सकते हो, ये काम कर सकते हो।
और यहाँ पे अब एक बात आती है कि सर वेटिंग जो शो कर रहा है वो कब तक अभी शो करेगा। तो वेटिंग देखो मैंने आपको बताया है कि कम से कम 3 तारीख तक कुछ कोर्सेज के लास्ट होने जा रहे हैं आपके काउंसलिंग, तो 3 तारीख के भी 2 दिन ऐड कर लो, यानी 5th जनवरी तक मैक्सिमम एकदम अपने हाई पीक पे पहुंच जाएगा कि अब किसी का वेटिंग क्लियर होना होगा तो हो जाएगा या नहीं होना होगा तो नहीं होगा। यानी अभी भी आपको 2 से 3 दिन इंतजार करना चाहिए। BHU, BA एंड आर्ट सोशल साइंसेस के बच्चे जो हैं उनको तो जरूर करना चाहिए क्योंकि उनका तो बहुत ज़्यादा वैरी करता है। कल मेरे को एक मैसेज आया कि सर मेरा 79 प्रिफरेंस से डायरेक्टली 18 प्रिफरेंस कर दिया गया। सोच लो कितना वेरिएशन आ रहा है, कहाँ 80 था कहाँ आके 20 पे हो गया। तो ये चेंजेस जो है वो दिखाता है कि ये बहुत वैरी करता है। अभी BSc मैथ का मैंने पता चला कि BSc मैथ भी अभी लॉक नहीं हुआ है, अभी उसकी भी राउंड चल रहे हैं। तो और अभी BCom का आया नहीं है, मतलब अभी काउंसलिंग को हम लोग आधा भी नहीं मान सकते हैं, तो ऐसे में उम्मीद कैसे छोड़ सकते हैं। मैं आपको जब स्टार्टिंग में जब मेरे कोर्स स्टार्ट हुए थे तभी मैंने आपको बताया था कि काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा सिंसियर होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है, अपडेटेड रहना पड़ता है। क्योंकि काउंसलिंग में अगर आप चूक गए तो फिर आपका भाई, अब जैसे कि कल भी एक मेरे को मैसेज आया हुआ था उनका काउंसलिंग छूट गया था, तो फिर मैंने उनको बोला, वैसे एडवाइस दिया कि आप जाके इमीडिएटली डिपार्टमेंट फैकल्टी में आप कांटेक्ट करो क्योंकि आपके रैंक अच्छे हैं, तो एक बार मे भी चांस बन जाए अगर इनके साथ का भी ऐसा कुछ सीन है तो आप लोग मेरे को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी काउंसलिंग में कोई भी फॉल्ट होता है भाई, आपकी यूनिवर्सिटी है, अगर आप अपना, अब आपके पास कुआं चल के नहीं आएगा पानी पीने के लिए, आपकी कोई समस्या है डॉक्यूमेंट संबंधित है, आपका डेट हो गया, आपने काउंसलिंग नहीं करा पाए, तो इसके लिए आपको तो कुएं के पास जाना पड़ेगा। तो BHU सेंट्रल ऑफ आपके अपने हेड ऑफिस या अपने डिपार्टमेंट में अपनी फैकल्टी में खुद विजिट करिए, वहां जाकर डायरेक्टली काउंसलर से मिलिए, प्रोफेसर से मिलिए, जो भी सोल्यूशन होगा वो बताएंगे आपको। अब किसी यूट्यूब चैनल्स के भरोसे तो अपना काउंसलिंग नहीं छोड़ सकते। हाँ मैं आपको एक ऑफिशियल अपडेट दे सकता हूँ जैसा मैं देता रहता हूँ, जैसे मैंने बताया कि BCom का आने वाला है, मैं बाकी बताया कि आपको इतने दिन इंतजार करना चाहिए, तो तमाम बातें तो मैं आपको बताता रहता हूँ, लेकिन ये काउंसलिंग प्रोसेस आपका है तो आप भरसक कोशिश करो कि अपनी काउंसलिंग प्रोसेस में खुद इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा सफर करो, थोड़ा सफर क्या है तो इंजॉय है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका एडमिशन होने जा रहा है, आप अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं घूमोगे तो क्या करोगे फिर। तो ऐसे में गाइज आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपनी काउंसलिंग प्रोसीजर में कोई भी फॉल्ट है, कोई कमी है तो आप लोग उसको जाके डिपार्टमेंट फैकल्टी से कॉन्टेक्ट करके अपना उसको सही कराइए। और लॉकिंग प्रोसेस बहुत आसान है, लॉक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है वो कुछ मत करे, लॉक भी नहीं करेगा तो भी वो लॉक होना ही होना है आपका बिना लॉक किए, क्योंकि लास्ट में उनको क्लास चलाने से पहले सबका एडमिट कार्ड रिलीज करना रहता है, तो वो आपको ऑटोमेटिक लॉक करके आपका एडमिट कार्ड दे देंगे। हाँ जिनको लॉक करना है, नहीं हमें लॉक करना है, हमें ऊपर का नहीं चाहिए, भाई वो कॉल करके एडमिट कार्ड नंबर उनको बोलो, वो लॉक कर देंगे। उसके बाद ईमेल भी उनको कर सकते हो, तो उनसे बोल देना कि सर ईमेल आईडी हमें दे दो। और यहाँ पे एक दो प्रॉब्लम और आ रही है कि सर हम लोग पेमेंट अगर किसी एक कोर्स में कर दिए और दूसरे कोर्स में करना चाहते हैं तो क्या पेमेंट दोबारा करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, अगर आपका पेमेंट सेम है, मान लो 1800 रुपये इसमें भी था, 1800 रुपये उसमें भी है, तो ऐसे में आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो लिखा रहता है कि ऑटोमेटिक कैंसिलेशन, आपसे एक डिक्लेरेशन लिया जाता है कि क्या आप सच में से कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप उस पर प्रोसीड कर दो, आपका फाइनली वो क्या हो जाएगा, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरा कोर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर चार्ज ज़्यादा है तो ऐसे में आपको एडिशनल चार्ज वहाँ ऐड करने का ऑप्शन आता है, फिर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जो भी तरीका हो आप उससे पे कर सकते हो। यहाँ पे एक समस्या और आ रही है कि सर हम लोगों ने अपग्रेड में डाला तो अपग्रेड होके वो ऊपर का कैंसिल होके नीचे एक आ जा रहा है, तो वहाँ पे वो पेमेंट आपका बस जैसे किसी किसी का मान लो पहले जनरल से हुआ था, बाद में देख रहे हैं कि OBC से अच्छा सब्जेक्ट मिल सकता है तो वो लोग OBC से आपका नया सब्जेक्ट आपको देंगे, फिर वहाँ पे आप पेमेंट पे क्लिक करोगे तो अपने आप वो पेमेंट वही ट्रांसफर हो जाएगा, समझ रहे हो? अगर कोई समस्या आता है तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, और प्लीज़ BHU पाठशाला के कोर्स को जरूर रिकमेंड करिएगा, और मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। कोई समस्या होता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करना बेसिकली, अथवा लेट रिप्लाई करूंगा बट मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा। मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव जैसे कृष्ण राधे राधे। बाय बाय।